अगर आपका शिफ्ट 9 to 12 है तो आप 9 to 12 के बीच में ही देंगे। क्या करूं, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। अल्टरनेट डे 5 टेस्ट देनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री 1.5 घंटे में कैसे करूंगा? पुरानी टेस्ट को आप उठा सकते हो, स्कैन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? एडमिट कार्ड आ चुका है। हमारी MHT CET की एग्ज़ाम कौन से डेट को है सबको पता चल गया है। तो जो बच्चे जिनका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को आया है, अब उन्हें क्या करना चाहिए, उनका नेक्स्ट 8 to 10 days में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। पूरा वीडियो आखिर तक अच्छे से देखना, ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले तो यार, बहुत सारे बच्चे जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में आए हुए हैं, उन्हें लग रहा है सर मेरा ही पहले क्यों आया। एक डर का माहौल हो गया है कुछ बच्चों के अंदर कि सर मेरा क्या होगा, इतने जल्दी आ गया, बाद में होता तो अच्छा होता, ये वो एंग्जाइटी, प्रेशर फील करने लग गए हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद ऐसा होता है, डेट्स अनाउंस होने के बाद ऐसा होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, ऐसी लंबी सांस लीजिए, 5, है ना, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो पूरा आग बंद करके ध्यान दीजिए कि सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही है, अब प्रॉपर पूरा। इससे आप प्रेजेंट में आते हैं। ये एंग्जाइटी, प्रेशर, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं इसीलिए इतना हो रहा है, बट इससे फ़ायदा नहीं होगा। बच्चों, प्रेजेंट के बारे में सोचो, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तो प्लीज़ पहले आप अभी वीडियो पॉज करिए और 5 बार डीप ब्रेथ करिए, डीप ब्रेथ जितना डीप कर सकते हैं। इसे 5 times करिए, ठीक है? पॉज करके 5 times करिए बच्चों, रिलैक्स हो जाइए आराम से। प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, है ना, आगे का पीछे का सोच के कोई फायदा नहीं होगा किसी का, ठीक है? तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले बच्चे? तो बच्चों, मैं आपको कहूंगा, आपके पास 8 से 10 दिन है। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके इस प्रिपरेशन का या आपके फाइनल डेज का, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। कुछ बच्चे सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट अलग देते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री का अलग देते हैं, सिर्फ मैथ्स का अलग देते हैं, ऐसा नहीं। जैसा सीईटी में होता है वो भी टाइम लगा के। अगर आपका शिफ्ट 9 to 12 है तो आप 9 to 12 के बीच में ही देंगे, है ना। अगर आपका शिफ्ट 9 to 12 वाला है तो आप 9 to 12 के बीच में ही देंगे। अगर आपका शिफ्ट 2 to 5 वाला है तो आप 2 to 5 ही देंगे। मैच प्रैक्टिस करेंगे हम, उस टाइम में हमारी एनर्जी बढ़ाएंगे हम। 2 to 5 बहुत लेजी टाइम होता है, हो सकता है आप रोज सो रहे थे अभी तक उसके बीच में, लेकिन अब एग्जाम देना है तो एग्जैक्टली एग्जाम का फील लेना है मुझे। लाइव टेस्ट देंगे, टेस्ट भी कैसे देंगे, लाइव। इससे आपको घड़ी दिखेगी वहां पर, है ना, प्रेशर हैंडल करने का, है ना, तरीका पता चलेगा। अभी तक नहीं दिया सर, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत टेस्ट दिए, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ भी टेस्ट नहीं दिए, फिर भी आपको आखिरी अल्टरनेट डे 5 टेस्ट देनी है, मिनिमम 5 टेस्ट। बेटा, मैच प्रैक्टिस होगी तभी आप मैच में प्रेशर हैंडल करना सीखोगे। टाइम कैसे मैनेज करना है समझोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री 1.5 घंटे में कैसे करूंगा, स्ट्रैटेजी बन सकती है ना, आपके दिमाग खुलेगा कि अरे क्या करना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ सिली मिस्टेक्स जो मैं करता हूं, है ना, वो कैसे कम होगी, ये सब इस टेस्ट के थ्रू होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको 5 full syllabus tests देना है। सर, लेकिन मेरा सिलेबस तो हुआ नहीं है, मेरा रिविजन हुआ नहीं है। अब जो भी है, रिविजन, सिलेबस सारा टेस्ट के थ्रू ही कवर होगा। कुछ लोगों ने और टेस्ट दी होगी पीछे की, वो आप रिवाइज कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं, देख सकते हैं। रोज टेस्ट नहीं देना है आपको, नई टेस्ट नहीं देना है रोज। अल्टरनेट डे दीजिए, 5 टेस्ट दीजिए, बहुत है यहाँ से। पुरानी टेस्ट को आप उठा सकते हो, स्कैन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दिस शुड बी योर मेथड फॉर लास्ट 10 days नाउ। बच्चों, यही आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। नई टेस्ट, अल्टरनेट डे, और पुरानी टेस्ट को आप वहाँ क्या गलत किया था, क्या क्या क्वेश्चंस अच्छे थे, उन सबको रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन थ्रू टेस्ट इज द बेस्ट वे, है ना। लेकिन कुछ बच्चे होंगे, सर मेरी तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, है ना। कल एक बच्चा बोल रहा था मुझे वेबिनार में। तो बच्चों, आप लोगों को वो मस्ट डू चैप्टर्स करने हैं। मैंने 2 videos बनाए थे फिजिक्स केमिस्ट्री का, जो मस्ट डू चैप्टर्स है उनका लिस्ट दिया हुआ है एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में मैथ्स का, है ना, मस्ट डू चैप्टर्स कौन से वो दिए हुए हैं, आप वो फॉलो करो। उनके सिर्फ 2-2 साल के PYQs करो, उनके फॉर्मूलेज अच्छे से कर लो, है ना, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। तो मस्ट डू चैप्टर्स पे फोकस रखो जिनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, और जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, सर हम रिविजन कैसे करें, हम
टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, तो आपको जिस तरह सीईटी का आता है पेपर, पेपर वन फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, पेपर टू मैथ्स, ऐसे ही टेस्ट देना है, इसी तरीके से टेस्ट देना है, ठीक है बच्चा। तो सारा रिवीजन आपका टेस्ट के थ्रू होगा। और अगर आपको किसी चैप्टर का रिवीजन करना भी है तो यू शुड फॉलो 2 मिनट्स रूल, मतलब कोई भी चैप्टर उठाया 2 मिनट में उसको स्कैन करना है, घंटा घंटा नहीं बैठेंगे हम रिवाइज करने के लिए, फॉलो 2 मिनट रूल बस। तो बच्चों इतने ही पॉइंट मेरे पास आपके लिए है, और अगर आप ये करते हो तो आई एम वेरी श्योर जो आपने 2 साल 1 साल 3 महीने 4 महीने 6 महीने एफर्ट दिया है आप उसमें सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो बस आखिर में जाते जाते कहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ, राइट, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। आप कहो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, कहो एक बार आई कैन डू इट, आई विल डू इट, बिल्कुल शांति से आराम से प्यार से इंजॉय करते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ो, ठीक है ना बच्चा। तो ये रहेगा हमारा सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए। अगर आपका कोई और शिफ्ट है तो प्लीज कमेंट करो, है ना, जो ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट के लोग रहेंगे उनके लिए भी हम लोग और अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताएंगे। अब बाद में जो है 9th, 10th, 11th, 12th, 15th, 17th, इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करेंगे, मचाएंगे, करके दिखाएंगे। थैंक यू।